talk about a very interesting party, MIM. It is an opposition party. They also have a friendly relationship with the ruling party. So will we see ever, hypothetical situation, Congress working with MIM, Congress reaching out to MIM, something like that? No, it is not that exactly. 2004 to 2004, MIM was with TDP. 2004 to 2014, MIM was with Congress. 2014 to two consecutives KCR के साथ. उसके बाद 24 to 34 मेरा साथ में मेरा दोस्त रहेगा, मेरा अच्छा दोस्त है असद भाई. मैं उम्मीद करता हूँ वो हमारे साथ देगा, क्योंकि वो जनता के मन को सही तरीका से समझता है. तो वो समझा, इससे पहले KCR ने मुसलमानों को और खासकर उनके मुद्दे को वो रिजॉल्व करेगा. मगर वो रिजर्वेशन 4% से 12% नहीं दिए. उसका माइनॉरिटी कमीशन का भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है. वक्फ प्रॉपर्टी बचाने में कामयाब नहीं हुए. और ये माइनॉरिटी इससे जो लोन्स देने का था गरीब लोगों को वो भी नहीं मिला. नोटिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन भी नहीं दिया. ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को कुछ भी KCR सरकार में नहीं मिला. जब उनके मजहब को कुछ नहीं मिला तो असद साहब ने KCR का खिलाफ लड़ने वाले हैं, जहाँ तक मेरे पता है, मेरा ऑब्जर्वेशन. आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ व्हाट माय ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आउटसाइड. तो असद भाई जल्दी से जल्दी KCR को वो कहानी आगे चलेगा, वो आप देखेगा. और 2024 से 34 तक असद भाई आपको सपोर्ट करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ. मैं चाह रहा हूँ असद भाई, क्योंकि बुरे दोस्ती किए तो अपन भी, मतलब ये होता है ना. तो ऐसे KCR जैसा, KTR जैसा लोगों से अगर दोस्ती किए तो उसका भी नाम खराब हो जाएगा. इसीलिए बुरे दोस्तों को वो छोड़ने में ज़्यादा देर नहीं करते. मेरे ख्याल से आने वाले दिनों अच्छा माहौल बनेगा.